हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश गोरा स्वागत करता हूं आपका आरजे करियर पॉइंट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए एक स्पेशल क्लास जिसमें हम बात करने वाले हैं सीएचओ के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की। लास्ट दो दिन से आपकी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है सीएचओ स्पेशल क्रेश कोर्स के अंदर, और उसके अंदर हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। और दो दिन आपके पास बचे हैं, दो दिन के अंदर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो वो आप यहां से कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, तो टेस्ट सीरीज के अंदर हमने इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी परफेक्ट बनाएं। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट rjcareerpoint.com पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे सपोर्ट नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप सभी शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें, क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइव नहीं आ पाए हैं। दो दिन आपके पास बाकी हैं, दो दिन के अंदर आपको इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से सोल्व करवाए गए हैं, और रेगुलर आप क्लासेस को फॉलो कीजिए, यहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे। और हमारा टारगेट ये है कि हमारी जो क्लासेस हैं और टेस्ट सीरीज से हम 60-70% क्वेश्चन को कवर कर लेंगे सीएचओ की एग्जाम के अंदर। आप एक बार सभी शेयर कर दीजिए। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, एक बार आप सभी शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट लाइव आ जाए। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं देखिए क्लास। द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट लाइव आ सके। कल की क्लास में हमने अनाउंस कर दिया था कि आज हमारी क्लासेस अर्ली इन द मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम आपको एग्जैक्ट बताया हुआ था 9 बजे, ठीक है। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? क्वेश्चन को आप आराम से पढ़े, क्वेश्चन के अंदर मैं आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, हर एक ऑप्शन को आपको डिस्क्राइब करेंगे। अगर 15-20 क्वेश्चन की हमारी क्लासेस होती हैं, उसके अंदर आपको 70-80 क्वेश्चन तक हम कवर करवा देते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन के साथ हम आपको पैरेलल थ्योरी लेकर चलते हैं जिससे आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व बताइए कौन सी होगी, सभी स्टूडेंट आंसर दें। वेगस नर्व, एब्डुसेंट, ट्राइजेमिनल एंड ऑल्फैक्ट्री। तो देखिए, लार्जेस्ट नर्व कौन सी होती है? द ट्राइजेमिनल नर्व इज लार्जेस्ट नर्व। वन मिनट, ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है वो क्या होती है? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हम एक एक क्रेनियल नर्व को पढ़ते हैं, इनके अंदर देखिए डिफरेंस। वेगस नर्व जो होती है वो क्या कहती है? लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? वेगस नर्व क्या होती है? लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है। ट्राइजेमिनल क्या हो गई? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। अब एक क्वेश्चन आता है, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री क्या है? स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें थिनेस्ट क्रेनियल नर्व। थिनेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर इज ए थिनेस्ट क्रेनियल नर्व। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। 12 पेयर होती है क्रेनियल नर्व, कौन कौन सी होती है? ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटरी, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेसियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोसल। ऐसे 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं, ठीक है। इनके अंदर आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मिक्स नर्व होती है और कौन सी यहां पर मोटर नर्व होती है। अब देखिए, मैं आपको एक बार थोड़ा शॉर्टली बता देता हूं
सारी कैरियर लर्नर्स के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है. फर्स्ट देखिए ऑल्फैक्ट्री ऑप्टिक ऑक्यूलोमोटर ट्रॉक्लियर ट्राइजमैनल एब्ड्यूसेंट. ये क्या होती है अपनी कैरियर नर्व होती है डिफरेंट डिफरेंट. यहां से जो क्वेश्चन पूछता है देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा. अभी फेशियल यहां पर इनका अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए तो बता देना ठीक है. वेस्टलोकोक्लियर ग्लॉसोफेरिंजियल वेगस एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल. ऑल्फैक्ट्री ऑप्टिक ऑक्यूलोमोटर ट्रोक्लियर ट्राइजमैनल एब्डुसेंट फेशियल वेस्टलर कोक्लियर ग्लोसोफेरिंजियल वेगस एसेसरी और हाइपोग्लोसल. तो ये 12 पेयर क्या होती है अपनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं. अब यहां पर देखिए आप जो क्वेश्चन आता है आपको पूछा जाता है या सेंसरी है या मिक्स्ड है या मोटर नर्व है ठीक है. तो अब इनकी देखिए ट्रिक देख लिए. एक ट्रिक है सम से मेरी मनी. क्या है सम से मेरी मनी. यहां पर काम नहीं कर रहा थोड़ा बोर्ड. सम से मेरी मनी बट माई ब्रदर से ग्लोसोफेरिंजियल होता है बैड बिजनेस मेरी मनी. तो ये एम बी और एस है ये क्या इंडिकेट कर रहा है देखिए. यहां पर शॉर्ट ट्रिक है सम से मेरी मनी बट माई ब्रदर से बैड बिजनेस मेरी मनी. एक ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व मिक्स्ड है कौन सी क्रेनियल नर्व सेंसरी है और कौन सी क्रेनियल नर्व मोटर है. तो एस का मतलब क्या हो गया यहां पर सेंसरी. क्या हो गया एस किसको इंडिकेट कर रहा है सेंसरी क्रेनियल नर्व को इंडिकेट कर रहा है. किसको सेंसरी क्रेनियल नर्व को ठीक है. बी जो है किसको इंडिकेट कर रहा है बोथ मतलब सेंसरी और मोटर दोनों हैं. और एम जो है किसको इंडिकेट कर रहा है मोटर. तो अब यहां पे देख लीजिए कि कौन कौन से क्रेनियल नर्व के आगे एस और एम लिखा हुआ है. इसको शॉर्ट टिक के अंदर आप याद रख ले. क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कई बार कि इनमें से सेंसरी नर्व कौन सी होती है मिक्स नर्व कौन सी होती है और मोटर नर्व कौन सी होती है. तो सबसे पहले देखिए सम से मेरी मनी. तो अब यहां पर सेंसरी कौन कौन सी है ऑल्फैक्ट्री ऑप्टिक और वेस्टिबुलो कोक्लियर जो है ये क्या है सेंसरी नर्व होती है. बाकी जो मोटर नर्व है कौन कौन सी है ऑक्यूलोमोटर ट्रॉक्लियर एब्ड्यूसेंट एसेसरी हाइपोग्लोसल ये क्या है मोटर नर्व है. और रिमेनिंग जो नर्व है वो क्या कहलाती है मिक्स्ड नर्व कहलाती है ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड द व्हाइट मैटर ऑफ सेरेब्रम चीफली कंटेन. क्योंकि आपका जो सीएचओ के अंदर 5 नंबर का एनाटॉमी और 5 नंबर का फिजियोलॉजी क्वेश्चन आने वाले हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सारे ठीक है. तो देखिए व्हाइट मैटर ऑफ सेरेब्रम चीफली कंटेन सेरेब्रम के अंदर जो व्हाइट मैटर होता है वो किससे बना होता है. यहां पे सेल बॉडी आएगा ठीक है. सेल बॉडीज माइलिनेटेड एक्सोन
न्यूरोग्लियल सेल या CSF. जो व्हाइट मैटर होता है वो किससे बना होता है? सेरेब्रम के अंदर. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, व्हाइट मैटर ऑफ सेरेब्रम चीफली कंटेन सेल बॉडी, माइलिनेटेड एक्सोन, न्यूरोग्लियल सेल या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. आपको पूछा है कि ब्रेन के अंदर अपने दो होते हैं, एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है व्हाइट मैटर. तो व्हाइट मैटर किससे मिलकर बना होता है? क्वेश्चन को आप आराम से पढ़े फिर आंसर दें. अब देखिए यहां पे मैं बताऊं आपको, एक नर्व सेल की बात करते हैं अपन. नर्व सेल जो होती है इसके अंदर देखिए अलग अलग कंपार्टमेंट पाए जाते हैं. फर्स्ट है सेल बॉडी और यहां से निकलता है क्या? एक एक्सोन, ठीक है. और सेल बॉडी से कुछ अपेंडेजेस निकले होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं अपन? डेंड्रॉन. और ये एक्सोन लास्ट में जाके किस में डिवाइड हो जाता है? टीलोडेंड्राइट या टर्मिनल बटन जिनको अपन बोलते हैं, ठीक है. तो एक्सोन के ऊपर क्या होता है? एक कवर होता है. किसका? माइलिन सीट का. माइलिन सीट का क्या होता है? एक कवर होता है. एक्सोन के ऊपर माइलिन सीट का कवर होता है. और इस माइलिन सीट के ऊपर भी क्या पाई जाती है? एक कवरिंग पाई जाती है. किसकी? न्यूरिलिमा की. किसकी? न्यूरिलिमा. इस न्यूरिलिमा के अंदर प्रेजेंट होती है क्या? स्वान सेल. क्या प्रेजेंट होती है? स्वान सेल. ये स्वान सेल क्या करती है? माइलिन सीट का फॉर्मेशन करती है. अब यहां पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं अपना क्वेश्चन देखिए. व्हाइट मैटर ऑफ सेरेब्रम चीफली कंटेन. अब ब्रेन के अंदर जो व्हाइट मैटर बनता है वो किससे बनता है? तो ये एक्सोन के ऊपर जो माइलिनेटेड कवर पाया जाता है, एक्सोन के ऊपर जो माइलिनेटेड कवर पाया जाता है वो हमें कहां दिखाई देता है? ब्रेन के अंदर एज ए व्हाइट मैटर शो होता है. माइलिनेटेड एक्सोन की एक्सोन के ऊपर जो माइलिन सीथ का कवर पाया जाता है वो हमें क्या दिखाई देता है? एज ए व्हाइट मैटर इन सेरेब्रम, ठीक है. सेरेब्रम के अंदर व्हाइट मैटर जो पार्ट दिखाई देता है वो एक्चुअली है क्या? वो है एक्सोन का माइलिन सीथ कवर, ठीक है. इसी प्रकार बात करें अपन ग्रे मैटर की. ग्रे मैटर जो होता है वो कौन बनाता है? सेल बॉडी. ग्रे मैटर कौन बनाता है? सेल बॉडी. कलेक्टिवली एक साथ बहुत सी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी एक जगह कलेक्ट होती है, वो एज ए शो होती है अपने को ग्रे मैटर में. ग्रे मैटर किसके द्वारा बनता है? सेल बॉडी के द्वारा. और माइलिनेटेड एक्सोन के द्वारा क्या बनता है? व्हाइट मैटर का फॉर्मेशन होता है. तो यहां पर इसके साथ मैं आपको और चीज बताता हूं. न्यूरिलिमा किसको कवर करती है? माइलिन सीट को. और न्यूरिलिमा के अंदर प्रेजेंट होती है कौन सी? स्वान सेल. स्वान सेल प्रेजेंट होती है. स्वान सेल एक प्रकार की क्या है? न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं. स्वान सेल जो क्या होती है? एक प्रकार की न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं. समझ में आ गया सभी को? अब न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपको एग्जाम के अंदर. तो देखिए न्यूरोग्लियल सेल क्या होती है. न्यूरोग्लिया अपना थर्ड ऑप्शन भी यही था. इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं. यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है ये क्या होती है. नर्वस जो नर्व सेल होती है उनकी क्या एक सपोर्टिंग सेल की तरह काम करती है. सपोर्टिंग सेल की तरह काम करती है, ठीक है. सपोर्टिंग सेल फॉर नर्वस टिश्यू. अब इनके टाइप होते हैं अलग अलग. फर्स्ट है ओलिगोडेंड्रोसाइट. यहां पर देखिए सबसे पहला आता है अपना एस्ट्रोसाइट. एस्ट्रोसाइट न्यूरोग्लियल सेल के टाइप होते हैं, ठीक है. एस्ट्रोसाइट कैसी होती है? स्टार शेप होती है. स्टार शेप होती है जो किसके अंदर हेल्प करती है? टू प्रोवाइड द हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ नर्वस टिश्यू. जो नर्व सेल होती है उनको न्यूट्रिशन के अंदर हेल्प करती है. हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ नर्व सेल. इसी के साथ क्या करती है एस्ट्रोसाइट? फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन कौन करती है? एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है.
आपके 5 नंबर की यहां से एनाटॉमी और 5 नंबर की फिजियोलॉजी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हम हर एक ऑप्शन को यहां पर डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको, ठीक है, समझने की कोशिश करना। एस्ट्रोसाइट जो होती है वो क्या होती है, सपोर्टिंग सेल है, कौन सी, न्यूरोग्लियल सेल्स होती है, 5-6 टाइप की होती है, तो हम एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला एस्ट्रोसाइट, इसको क्यों बोला, स्टार शेप होती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है किसको, नर्व सेल को। इसी के साथ साथ इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती है कौन, एस्ट्रोसाइट। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो न्यूरोग्लियल सेल है वो कौन सी होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, कौन सी है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन सीथ, क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन सीथ। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन सीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन सीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, जो क्या एक प्रकार की न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। थर्ड बात करते हैं अपन, स्वान सेल, स्वान सेल ये भी क्या करती है, माइलिन सीथ का फॉर्मेशन करती है, माइलिन सीथ का फॉर्मेशन करती है, बट इन ये जो माइलिन सीथ का फॉर्मेशन करती है कहां पर करती है, इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो माइलिन सीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, स्वान सेल, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो माइलिन सीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप, फोर्थ, एपेंडाइबल सेल्स, एपेंडाइबल सेल्स ये क्या करती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की लाइनिंग का फॉर्मेशन करती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की लाइनिंग बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया ये क्या करती है, जो भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करती है, डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और लास्ट है सैटेलाइट सेल, लास्ट है सैटेलाइट सेल, ये क्या होती है, सपोर्टिंग सेल्स होती है, सिर्फ सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। समझ में आ गया सभी को, तो ये 5 प्रकार की क्या होगी अपनी, न्यूरोग्लियल सेल्स हो गई, 6 प्रकार की क्या होगी अपनी, न्यूरोग्लियल सेल्स हो गई, जिनके अंदर सबसे पहले हमने देखा एस्ट्रोसाइट स्टार शेप होती है, जो क्या करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्मेशन में हेल्प करती है और नर्व टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। सेकंड है ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो क्या करती है, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर माइलिन सीथ का फॉर्मेशन करती है। थर्ड होती है अपनी स्वान सेल, जो क्या करती है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर माइलिन सीथ का फॉर्मेशन करती है। फोर्थ एपेंडाइबल सेल, जो क्या करती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की लाइनिंग का फॉर्मेशन करती है। और नेक्स्ट है माइक्रोग्लिया, जो डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और लास्ट है सैटेलाइट सेल, एक प्रकार की क्या है, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। तो यहां पर हमने देखा एक नर्व के बारे में कंप्लीट, कि व्हाइट मैटर किससे बनता है, ग्रे मैटर किससे बनता है, व्हाइट मैटर किससे बनता है, माइलिनेटेड एक्सोन जो होता है कलेक्टिवली ब्रेन के अंदर क्या बनाते हैं, व्हाइट मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, और सेल बॉडी जो होती है वो क्या बनाती है, ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एक्सोन देखिए क्या होता है, एक्सोन के ऊपर कवरिंग पाई जाती है किसकी, माइलिन सीट की। अभी माइलिन सीट की कवरिंग करती क्या है, इंसुलेशन करती है किसका, जो भी इलेक्ट्रिकल इंडक्शन आते हैं, जो भी नर्व इंपल्सेस आते हैं, उनको इंसुलेट करके रखती है, क्योंकि पैरेलल अगर बहुत सी नर्व एक दूसरे के पास पास रहती हैं तो क्या हो सकता है, एक नर्व का इंपल्स दूसरे नर्व के अंदर जा सकता है और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन सबको प्रिवेंट कौन करता है,
जो मालिन कवर होती है वो क्या करती है, इंसुलेट करती है, और जो नर्व स्टिमुलेशन है उनको डिस्ट्रीब्यूट होने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। लास्ट ये भी अपना सारे ऑप्शन हमने क्लियर कर लिए। लास्ट सीएसएफ, अब सीएसएफ देखिए आप, देखिए सीएसएफ क्या होता है, इट इज ए, इसका दूसरा नाम देखिए लिम्फ ऑफ सीएनएस, इसको क्या बोलते हैं अपन, लिम्फ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएसएफ क्या बोलते हैं अपन, लिम्फ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, फॉर्मेशन कहां से होता है इसका, सीएसएफ का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कोरोइड प्लेक्सस से, कोरोइड प्लेक्सस। सीएसएफ का फॉर्मेशन कहां से होता है, कोरोइड प्लेक्सस से इसका फॉर्मेशन होता है। इसके फॉर्मेशन की रेट कितनी होती है, 30 ml पर हावर, 30 ml पर आवर के रेट से इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें टोटल वॉल्यूम कितना होता है इसका, अप्रोक्सीमेट 120 ml क्या होता है इसका, टोटल वॉल्यूम ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये क्या होता है इसका टोटल वॉल्यूम। लास्ट में बात करें कि एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है इसका, सब अरेक्नोड विलाई के अंदर, सब अरेक्नोड विलाई के अंदर क्या होता है इसका, एब्जॉर्प्शन हो जाता है सीएसएफ का। समझ में आ गया सभी को, सीएसएफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, लिम्फ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लिम्फ भी बोलते हैं इसको, और सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है कोरोइड प्लेक्सस के अंदर। रेट जो होती है इसकी कितनी होती है, 30 ml पर आवर की रेट से इसका फॉर्मेशन होता है। 120 ml इज द टोटल अमाउंट ऑफ सीएसएफ, एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहां पर होता है इसका, सब अरेक्नोइड विलाई के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहां पर अपना कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन बी अपना क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंपल्स फ्रॉम एसए नोड कंडक्ट टू एवी नोड थ्रू द, एसए नोड से एवी नोड के अंदर जो इंपल्स जाते हैं वो कैसे जाते हैं, इंटरनोडल पाथवे के द्वारा, परकिंजे फाइबर के द्वारा, नर्व्स के द्वारा, या कोडा टेंडनी के द्वारा। जो एसए नोड टू एवी नोड अपना कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का, उसके अंदर जो इंपल्स जाते हैं एसए नोड टू एवी नोड, उनका पाथवे क्या होता है, इंटरनोडल पाथवे, परकिंजे फाइबर, नर्व्स, या कोडा टेंडनी। सभी स्टूडेंट आंसर दें, हर एक क्वेश्चन का आपको यहां पर क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपको ऐसे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो यहां से सीखने को मिल रहा है। तो सभी स्टूडेंट आंसर दें, इंटरनोडल पाथवे, परकिंजे फाइबर, नर्व्स, या कोडा टेंडनी। देखिए कंडक्शन सिस्टम की बात करें अपन, तो ऐसे नोड कहां पर प्रेजेंट होता है, नियर द सुपीरियर वेना कैवा। ऐसे नोड प्रेजेंट होता है कहां पर, नियर द एसवीसी, सुपीरियर वेना कैवा के पास प्रेजेंट होता है क्या, ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहां से इंट्राएट्रियल सेप्टम जो होता है वहां पर क्या होता है, एवी नोड, उसके बाद में क्या होता है, बंडल ऑफ हिज। ठीक है, और बंडल ऑफ हिज से क्या निकलते हैं फिर, परकिंजे फाइबर इन वेंट्रिकल वॉल। अब यहां से देखिए एसे नोड जो होता है वो क्या करता है, खुद कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करवाता है, मतलब पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं, एसे नोड को बोलते हैं। अब एसे नोड से एवी नोड के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, नर्व्स लाइक ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है जिससे वहां पर इंपल्स जा सके। तो ये जो इंपल्सेस हैं एसए नोड से एवी नोड तक कैसे जाते हैं, बाय द स्पेशल
मायोसाइट्स, स्पेशल मायोसाइट्स, स्पेशल कुछ मसल सेल होती है जिनके द्वारा क्या होते हैं, SNO2 AV नोड तक ये कंडक्शन जाते हैं, और इस पाथवे को हम बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे। इंटरनोडल हमने क्यों बोला, दो नोड के बीच में, मतलब ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में एक ऐसा पाथवे है मायोसाइट से बना हुआ जहां पर क्या हो रहे हैं, इंपल्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसलिए इसको इंटरनोडल पाथवे क्यों बोला, कि दो नोड्स हैं ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में एक ऐसा पाथवे है जो स्पेशल मायोसाइट सेल से बना होता है जहां पर जो इंपल्सेज है वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। समझ में आएगा सभी को। तो ऐसे नोड से एवी नोड के बीच में ऐसा डायरेक्ट नर्व लाइक कोई कनेक्शन नहीं होता है। बाय द स्पेशल मायोसाइट्स क्या होता है, ये जो नर्व इंपल्सेज है वो ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट बात में यहां पर देखिए, परकिंजे फाइबर नर्व्स और कोडा टेंडरी। परकिंजे फाइबर क्या है, बंडल ऑफ हिज आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वेंट्रिकल्स की वॉल्स के अंदर, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच के अंदर। तो लेफ्ट ब्रांच लेफ्ट वॉल के अंदर चली जाती है और राइट ब्रांच राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। नर्व्स आप सभी को पता है। कोडा टेंडनी क्या होते हैं, देखिए जो वॉल होते हैं हार्ट के अंदर, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वॉल होते हैं, इनका अटैचमेंट किसके द्वारा होता है, कोडा टेंडनी के द्वारा होता है। ये से कुछ फिलामेंट होते हैं जो क्या करते हैं, वॉल को क्या करते हैं, अटैच करके रखते हैं। कोडा टेंडनी से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इंटरनोडल पाथवे क्या होता है, एक ऐसा पाथवे स्पेशल पाथवे जो किससे बना होता है, स्पेशल मायोसाइट सेल से होता है। मायोसाइट का क्या मतलब हो गया, स्पेशल मसल सेल्स हो गई जो क्या करती है, इंपल्सेस को ट्रांसफर करती है ऐसे नोड टू एवी नोड तक। ठीक है, सो अपना ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द परसेंटेज ऑफ एन डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल With each heartbeat is called. Important question है, question बताइए, question number 4th के अंदर, the percentage of N diastolic blood ejected from the ventricle with each heartbeat is called. सभी स्टूडेंट आंसर दें क्वेश्चंस का। परसेंटेज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल, तो यहां पर देखिए ऑप्शन आपके सामने, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इजेक्शन फ्रैक्शन, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ें। यहां पर पूछा है परसेंटेज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम, परसेंट पूछ रहा है आपको। स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर अपन क्या करते हैं, एज ए कंप्लीट वॉल्यूम चेक करते हैं जो वेंट्रिकल से रिलीज हो रही है, और वो अपन बात करते हैं वन बीट के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पास आउट हो रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इजेक्शन फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, अपना इसका राइट आंसर है इजेक्शन फ्रैक्शन। देखिए सुनिए, परसेंटेज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम, कि कितना परसेंट ब्लड वॉल्यूम है जो इजेक्ट हो रहा है, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, अगर उसको परसेंटेज में अपन काउंट करते हैं तो वो चीज कहलाती है इजेक्शन फ्रैक्शन। और नॉर्मली कितना होता है, ये 60% होता है। नॉर्मली कितना होता है, 60%। ठीक है, कि जितना डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम आता है वो एक बार पंप आउट करके निकाल दिया जाता है। जैसे मान लो 120 ml जो ब्लड है हार्ट के डायस्टोलिक के टाइम पे आया, ठीक है, जैसे ही हार्ट डायस्टोल होता है 120 ml ब्लड आता है, कहां से, थोड़ा एक्सप्लेन मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताता हूं। देखिए ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मतलब जब हार्ट रिलैक्स रहेगा, ठीक है, जब हार्ट रिलैक्स होगा तो वहां पर लेफ्ट एट्रियम के अंदर अप्रोक्सीमेट 120 ml ब्लड क्या होता है, फिलअप होता है। अब इस डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम का
कितना परसेंट ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा एक बार पंप आउट करने पर निकाल दिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम आया है इसका कितना परसेंट अमाउंट हार्ट के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बार पंप आउट करने में निकाल देता है। अब यहां पर काम आएगा आपका कौन सा, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम में आपको पता है कितना होता है, 70 ml होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, कि एक हार्ट बीट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना ब्लड एक्सपेल आउट हो रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब 120 ml से अगर 70 ml अपन रिमूव करते हैं तो 120 ml का 70 ml कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 55 to 60% होता है। तो यही है अपनी क्या, इजेक्शन फ्रैक्शन वॉल्यूम। समझ में आ गया, यही क्या अपनी इजेक्शन फ्रैक्शन वॉल्यूम है कि डायस्टोलिक ब्लड का कितना परसेंट अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पास आउट कर दिया गया है एक बार कॉन्ट्रैक्शन करने पर। समझ में आ गया सभी को, तो यह कहलाता है इजेक्शन फ्रैक्शन। आप जो बता रहे हो स्ट्रोक वॉल्यूम वो क्या होता है, यहां पर हम डायस्टोलिक ब्लड का कोई कोरिलेशन नहीं देखते, हम यहां पर सिर्फ इतना देखते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पंप आउट के अंदर कितना ब्लड पास आउट किया गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बीट के अंदर कितना ब्लड पास आउट किया गया, तो वो कहलाता है अपना स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 70 ml। देखिए कार्डियक आउटपुट भी होता है ना, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक बार पंप आउट करने पर लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना ब्लड रिलीज होता है वो होता है 70 ml, ये कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। इजेक्शन फ्रैक्शन होता है डायस्टोलिक ब्लड का परसेंटेज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकाला गया है। अब आप सुनिए कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट के अंदर क्या होता है, देखिए एक मिनट के अंदर जितना ब्लड वेंट्रिकल के द्वारा निकाल दिया जाता है वो कहलाता है अपना कार्डियक आउटपुट। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर अपना स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml है और हार्ट रेट की बात करें तो एवरेज अपन कितना मानते हैं, 72 beat per minute। एक बीट में 70 ml रिलीज कर रहा है हार्ट, और 72 बीट में कितना करेगा मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, 5040 आएगा। यही होता है अपने कार्डियक आउटपुट की एक मिनट के अंदर हार्ट कितना ब्लड पंप आउट कर देता है, अप्रोक्सीमेट 5 liter ब्लड क्या कर देता है पंप आउट कर देता है हार्ट, यही कहलाता है अपना कार्डियक आउटपुट। ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश करना, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, हार्ट के अंदर जो डायस्टोलिक ब्लड आता है उसका कितना परसेंट ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंप कर दिया गया है। और यहां पर देखिए एक बार अगर हार्ट डायस्टोल होता है तो 120 ml ब्लड फिलअप होता है, लेकिन उसमें से एक हार्ट बीट के अंदर हार्ट केवल 70 ml ब्लड ही पंप आउट कर पाता है। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज अमाउंट हो गई 120 का, इसने कितना निकाला 70 ml, और 70 ml 120 कितना हो जाएगा 55 to 60% ब्लड इसने निकाल दिया। तो ये अपनी क्या है, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड अमाउंट जो हार्ट वेंट्रिकल के द्वारा एक्सपेल आउट कर दिया गया है, तो वो होता है अपना 70 ml। ठीक है, वो कहलाएगा अपना स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करें कार्डियक आउटपुट, ये तो हो गया अपना एक बीट में हार्ट ने निकाला है। अब अगर कार्डियक आउटपुट हमें निकालना है तो 1 minute के अंदर अपन काउंट करेंगे, और 1 minute में होती है 72 beat per minute होता है हार्ट। 72 को 70 से मल्टीप्लाई किया है, अपने पास आएगा 5040, मतलब 5040 ml ब्लड हार्ट के द्वारा पंप कर दिया गया, ये होता है अपना कार्डियक आउटपुट। ठीक है, यहां पर एक चीज आई है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है, द पावर ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट की जो पावर ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होती है। अब देखिए इसके अंदर हार्ट के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती है जो क्या करती है, हार्ट को कॉन्ट्रेक्शन करवाती है। प्री लोड एंड आफ्टर लोड दो चीज होती है, प्री लोड और आफ्टर लोड। प्री लोड का मतलब हो गया बिफोर द सिस्टोल, और आफ्टर लोड होता है आफ्टर द सिस्टोल। तो हार्ट की जो कॉन्ट्रेक्शन रेट होती है वो बिफोर सिस्टोल और आफ्टर सिस्टोल क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये क्या होती है, हार्ट की स्पेशल पावर होती है जिसके द्वारा हार्ट क्या होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, विच लिपोप्रोटीन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट अवे फ्रॉम द सेल एंड टिश्यू ऑफ आरटीएल वॉल टू द लीवर फॉर एक्सक्रीशन। यहां पर आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी ऐसी लिपोप्रोटीन है जो क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट अवे फ्रॉम द सेल्स, सेल्स से, टिश्यू से, आर्टेरियल वॉल से लीवर की तरफ लेकर जा रही है। ऐसी लिपोप्रोटीन जो फैट को टिश्यू से, सेल से और आर्टेरियल वॉल से कहां ले जा रही है, लीवर की तरफ लेकर जा रही है टू द एक्सक्रीशन। तो ये है एसडीएच, एलडीएल, एलडीएच या एचडीएल। तो आपको पता होना चाहिए जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल वो कौन सा होता है, एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये क्या करता है, जो फैटी मॉलिक्यूल होते हैं उनको लीवर के अंदर लेकर जाता है और क्या करवाता है, उनका एक्सक्रीशन या मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो यहां पर जो एचडीएल होता है अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। जबकि एलडीएल जो होता है वो प्रिवेंट करता है किसको, कोलेस्ट्रॉल को लीवर में जाने से प्रिवेंट करता है। तो ये क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या कहलाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। एसडीएल होता है अपना गुड कोलेस्ट्रॉल। समझ में आ गया, ऑप्शन डी अपना क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। द नर्स कॉशन सेक्सुअली एक्टिव फीमेल क्लाइंट टेकिंग आइसोनियाजाइड दैट द ड्रग हैज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। अगर एक सेक्सुअली एक्टिव क्लाइंट है और वो क्या रिसीव कर रही है, आइसोनियाजाइड थेरेपी, मतलब एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी चल रही है। अब आइसोनियाजाइड ड्रग दे रही है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, वेजाइनल इंफेक्शन, म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑन ओवा, डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और इनहिबिट द ओव्यूलेशन। क्वेश्चन देखिए, अगर एक सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है वो क्या करिए, आइसोलेटेड थेरेपी चल रही है तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा हमें, वेजाइनल इंफेक्शन हो जाएगा, म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑन ओवा, ओवम के अंदर कुछ म्यूटाजेनिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इनहिबिट द ओव्यूलेशन। तो यहां पर देखिए, जो आइसोलेटेड होती है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ इंटररिएक्शन करती है और उनकी इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देती है। आइसोलेटेड के देखिए, आइसोलेटेड क्या करती है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उनके साथ इंटररिएक्शन करती है और उनकी इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देती है। तो उनकी जो सक्सेस रेट होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है विद द एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी स्पेशली फॉर आइसोनियाजाइड, ठीक है। ऑप्शन सी अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एस ए आर एस इज स्प्रेड बाई, एस ए आर एस इज स्प्रेड बाई, बताइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एस ए आर एस इज स्प्रेड बाई, किसके द्वारा स्प्रेड होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ। एम्स के इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हम करवाएंगे 10 तारीख को, सीएचओ एग्जाम जैसे कंप्लीट होगा अपना नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, एम्स के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल क्वेश्चन करवाने का, ठीक है। तो देखिए, एसएआरएस क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा, और वायरस का क्या नाम है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो होता है वो क्या कॉज करता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। ये एक प्रकार की वायरल डिजीज होती है और वायरस कौन सा होता है, कोरोना वायरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड बी अवॉइडेड बाई ए क्लाइंट विथ यूरिक एसिड स्टोन। अगर एक क्लाइंट है उसके अंदर यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके अंदर हमें कौन से फ्रूट्स अवॉइड कर देने चाहिए या कौन सी डाइट हमें अवॉइड कर देनी चाहिए, राइस, फ्रूट, मीट एक्सट्रैक्ट या रॉ वेजिटेबल्स।
क्लाइंट किसका है? यूरिक एसिड स्टोन का क्लाइंट है, तो उसके अंदर हमें कौन सी डाइट उसके अंदर स्टॉप कर देनी चाहिए या अवॉइड कर देनी चाहिए? जेएसएस की तैयारी भी करवाएंगे, 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? दो दिन और हम सीएचओ के लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको, उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट जेएसएस और एम्स के लिए करवाएंगे, ठीक है? तो यहां पर देखिए यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है। यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। जो प्यूरीन प्रोटीन होती है, ठीक है, उसके मेटाबॉलिज्म से क्या बन रहा है? यूरिक एसिड। अब सबसे पहले अपने को अगर यूरिक एसिड बन रहा है तो सबसे पहले अपने को किसको स्टॉप करनी चाहिए? जो प्रोटीन डाइट अपनी चल रही है उसको स्टॉप कर देनी चाहिए। तो राइस, वाटर, मीट एक्सट्रेट और रॉ वेजिटेबल के अंदर मीट एक्सट्रेट क्या होती है? एक प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट होती है। तो सबसे पहले अपने को इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, यहां पर देखिए आपके लिए सीएचओ की मॉक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। 5 मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे है, तो आप जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। 2 दिन आपके पास है और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, रेगुलर हमारी क्लासेस भी चल रही है, तो आप रेगुलर क्लासेस को फॉलो कीजिए और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसके अंदर ऐड किए, तो सिंपली आप rjcareerpoint.com पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे सपोर्टिंग नंबर पर कॉल करें, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फियर, फाइट और फ्लाइट? कौन सा हार्मोन है जो फाइट और फ्लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइट और फ्लाइट हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन एंड मेलाटोनिन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट? फाइट और फ्लाइट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? सभी का आंसर सही है, एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है? एड्रिनल मेडुला से जो होता है, एड्रिनल मेडुला से क्या रिलीज होते हैं? कैटाकोलामाइंस, कैटाकोलामाइंस। इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? अपन कैटाकोलामाइंस बोलते हैं। एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? अपन कैटाकोलामाइंस बोलते हैं। ये क्या करते हैं? डायरेक्ट एक्शन ऑन ब्लड, ठीक है? डायरेक्ट एक्शन ऑन हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट एंड रेस्पिरेशन। तो अगर अपोजिट जो या अनफेवरेबल कंडीशन होती है उस कंडीशन में रेस्पॉन्स कैसा देते हैं? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स हमें मिलता है किसके द्वारा? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। रिलीज कहां से होते हैं? एड्रिनल मेडुला से, और इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कैटाकोलामाइंस बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ROM, रेंज ऑफ मोशन? रेंज ऑफ मोशन, किसी जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो चेक करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं? टोनोमीटर, गेनियोमीटर, गोनियोमीटर या कोरोनोमीटर? किसी जॉइंट की कितनी मोबिलिटी है ये चीज असेस करते हैं अपन कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा? और मोबिलिटी असेस कर लो क्या बोलते हैं अपन? रेंज ऑफ मोशन, की जॉइंट कितना मूवमेंट कर रहा है, नॉर्मली मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो रेंज ऑफ मोशन असेस करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं? टोनोमीटर, गेनियोमीटर, गोनियोमीटर या कोरोनोमीटर? गोनियोमीटर जो होता है उसके द्वारा आप क्या असेस करते हैं अपन? रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट, किसी भी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन असेस करते हैं, ठीक है? अगर अपने को इंट्राऑक्युलर प्रेशर चेक करना है, इंट्राऑक्युलर प्रेशर चेक करना है तो उसके लिए काम में लेते हैं कौन सा? टोनोमीटर काम में लेते हैं इंट्राऑक्युलर प्रेशर चेक करने के लिए। नॉर्मल आईओपी कितना होता है? 10 to 21। नॉर्मल आईओपी कितना होता है? 10 to 21, ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
द अर्ली फॉर्म ऑफ पेरीओडोंटल डिजीज इज, द अर्ली फॉर्म ऑफ पेरीओडोंटल डिजीज इज, पेरीओडोंटल डिजीज का अर्ली फॉर्म कौन सा है? पेरीओडोनाइटिस, ओरल कैंसर, जिंजिवाइटिस एंड डेंटल कैरीज. द अर्ली फॉर्म ऑफ पेरीओडोंटल डिजीज, पेरीओडोनाइटिस, ओरल कैंसर, जिंजिवाइटिस और डेंटल कैरीज. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11, गैनोमीटर ऐसा कोई मीटर नहीं होता, ये तो सिर्फ ऑप्शन के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है, स्पेशल नहीं होता कुछ. तो पेरीओडोनाइटिस, ओरल कैंसर, जिंजिवाइटिस, आपने पूछा है पेरीओडोंटल डिजीज. तो पेरीओडोंटल डिजीज का मतलब क्या हो गया, जो टीथ के सराउंडिंग टिश्यू है उनके अंदर डिजीज कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उसका सबसे अर्ली कंडीशन कौन सी होगी? तो वो होगी जिंजिवाइटिस. क्योंकि टीथ के अराउंड अपन बात करें तो गम्स होते हैं और सबसे पहले इंफ्लामेशन हमें देखने को मिलेगा. तो जिंजिवाइटिस इज अ कंडीशन ऑफ इंफ्लामेशन ऑफ गम्स. अगर पेरियोडोंटल डिजीज कोई भी देखने होती है तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे जिंजिवाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी. सबसे पहले क्या होगा, इंफ्लामेशन ऑफ गम्स, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इफ स्टेम सेल इज कलेक्टेड फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विंस इज टर्म एज. अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं और स्टेम सेल हमने ट्रांसप्लांट किया है आइडेंटिकल ट्विंस से, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑटोलोगस फॉर्म, एलोजेनिक फॉर्म, सिंजेनिक फॉर्म या होमोजेनिक फॉर्म? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए. अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो यहां पर आइडेंटिकल ट्विन से हमने क्या किया है, स्टेम सेल कलेक्ट की है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑटोलोगस, एलोजेनिक, सिंजेनिक या होमोलोगस? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे. क्वेश्चन को आराम से पढ़ें आप, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आंसर सही है. देखिए इसके अंदर मैं आपको हर एक चीज क्लियर करा दूंगा. अभी यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, आइडेंटिकल ट्विन से क्या कर रहे हैं अपन, स्टेम सेल ट्रांसफर कर रहे हैं. तो आइडेंटिकल ट्विन्स के लिए दो टर्म होती है, एक होती है आइसोजेनिक प्लस सिंजेनिक. ये दोनों किसके लिए होती है, आइडेंटिकल ट्विन्स के लिए, आइडेंटिकल ट्विन्स के लिए. आप इसको सिंपली याद रखिए, आईएसआई, आइसोजेनिक और सिंजेनिक किसके लिए है, आइडेंटिकल ट्विन्स के लिए होती है, ठीक है. आइसोजेनिक और सिंजेनिक किसके लिए, आइडेंटिकल ट्विन्स के लिए होती है. इसी के अलावा बात करें, एक होती है होमोजेनिक एंड एलोजेनिक. होमोजेनिक एंड एलोजेनिक जो होती है वो किसके लिए होती है, सेम स्पीसीज के लिए, सेम स्पीसीज. अपन बात कर सकते हैं ह्यूमन बींग से अगर अपन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, होमोजेनिक या एलोजेनिक, लेकिन अदर पर्सन से. नेक्स्ट यहां पर देखिए, ऑटोजेनिक, ऑटोलोगस होता है ओवन सेल्फ, क्या होता है, ओवन सेल्फ होता है ऑटोलोगस, ठीक है. ऑटोलोगस क्या होता है, ओवन, ओवन सेल्फ. अगर बात करें डिफरेंट स्पीसीज से, उसको बोलते हैं अपन जीनोलोगस. जीनोलोगस के अंदर क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज. तो ये कुछ टर्म होती है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता आपको, ठीक है. ऑटोलोगस, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, सिंजेनिक और होमोजेनिक. समझ में आ गया सभी को? यहां पर देखिए, दोनों की आप ट्रिक देख लें. आईएसआई का मतलब क्या हो गया, आइसोजेनिक और सिंजेनिक किसमें होता है, आइडेंटिकल ट्विन्स के अंदर. होमोजेनिक और एलोजेनिक किसमें होता है, अदर पर्सन इन सेम स्पीसीज. स्पीसीज सेम है लेकिन किसी अदर पर्सन से अपन क्या कर रहे हैं, ये सेम स्पीसीज किसके अंदर भी होता है, अपने को स्किन ग्राफ्टिंग के अंदर भी अपन ऐसे ही टाइप पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, आइसोग्राफ्ट, सॉरी एलोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट क्या होता है, सेम स्पीसीज के अंदर होता है. और जीनोग्राफ्ट क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज के अंदर होता है. ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है
ओन सेल्फ। इसी प्रकार जीन के रिगार्डिंग अपन ऐसे ही बात करते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था, इन द आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर, आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर हमने देखा आइसोजेनिक और सिंजेनिक होता है, और ऑप्शन में अपने पास क्या है, सिंजेनिक फॉर्म। सो अपना ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। द 4D सिंड्रोम इज, 4D सिंड्रोम किसके अंदर देखने को मिलता है, पेलेग्रा। 4D सिंड्रोम किसमें देखने को मिलता है, पेलेग्रा। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी में होता है पेलेग्रा। और 4D का मतलब क्या हो गया, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेमेंशिया और डेथ। ये 4D हो गए, पहले 3D था, यहां पर 4D कौन कौन से हैं, डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, ठीक है। जीरोक्सेल्मिया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, जीरोक्सेल्मिया में ड्राई कॉर्निया की कंडीशन देखने को मिलती है, स्कर्वी होता है जो। विटामिन सी की कमी से देखने को मिलता है, इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, विटामिन सी, ब्लीडिंग गम। बेरी बेरी, विटामिन B1 डेफिशिएंसी होता है बेरी बेरी, दो होते हैं, एक होते हैं वेट बेरी बेरी, एक होता है ड्राई बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी किसको अफेक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, ड्राई बेरी बेरी किसको अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसी प्रकार यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको, विटामिन B1 से अपन OBG के अंदर भी पढ़ते हैं, अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी सीवियर हो जाती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी सीवियर हो जाती है, हम पर जब पढ़ेंगे OBG के अंदर हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, तो उसके अंदर क्या था, एक्सेसिव वोमिटिंग होती है, और वोमिटिंग के द्वारा क्या होता है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और कंटिन्यूस अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी तो अपने कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, कौन कौन सा, सबसे पहला होता है वर्निक्स एंसेफेलोपैथी के अंदर हमें को तीन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अटैक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड कंफ्यूजन। ये तीन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसमें, वर्निक्स एंसेफेलोपैथी के अंदर, जो होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, विटामिन B1 की सीवियर डेफिशिएंसी होती है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है हमें वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। तीन सिम्टम्स होते हैं, अटैक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया और कंफ्यूजन। अगर कंटिन्यूअसली डेफिशिएंसी चल रही है, ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो कंडीशन आती है कोर्साकॉफ साइकोसिस, कोर्साकॉफ साइकोसिस। इसके अंदर सेम तीन सिम्टम्स ये रहते हैं, इनके साथ साथ एक एक्स्ट्रा सिम्टम्स देखने को मिलता है, वो होता है इंपेयर्ड मेमोरी, इंपेयर्ड मेमोरी। तो ये कॉम्प्लिकेशन है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग हीट बाय टेपिड स्पंज कम्स द अंडर, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग हीट बाय टेपिड स्पंज कम्स अंडर। अगर अपन स्पंज को टैप करेंगे, उससे जो हीट लॉस हो रही है वो कौन सा वे होता है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए, अगर हम स्पंज के द्वारा क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं किसी पर्सन को, और वहां से क्या हो रहा है, हीट लॉस कर रही है, अब वो हीट लॉस जो हो रही है उसका वे कौन सा है, रेडिएशन है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है या इवेपोरेशन है। अब यहां पर स्पंज क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है, स्पंज क्या हो रहा है यहां पर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है। अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा हीट लॉस होती है तो क्या कहलाता है, कंडक्शन। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा अगर हीट लॉस होती है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। बाय द रेडिएशन होता है उसको, रेडिएशन के अंदर क्या होता है, बाय द रेडिएशन क्या होता है, हीट लॉस होती है। कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है, बाय एयर कन्वेक्शन कहलाता है, और इवेपोरेशन बाय द वेपोराइजेशन, बाय द वेपोराइजेशन हीट लॉस।
ठीक है। हीट लॉस की कुछ प्रोसेस है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा उसको कंडक्शन बोलते हैं, बाय द रेडिएशन क्या होता है उसको रेडिएशन हीट लॉस बोलेंगे, कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है बाय द एयर होता है, और इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है बाय द वेपराइज फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आपके लिए सीएचओ की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं सीएचओ के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने जो टेस्ट सीरीज तैयार की है लेटेस्ट पैटर्न पे है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आज और कल का टाइम आपके पास है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन से आप अपनी पूरी थ्योरी को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप अभी थ्योरी पढ़ोगे तो उसके अंदर आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, उससे बेस्ट है कि आप क्वेश्चन सॉल्व आउट करें, क्वेश्चन से आपकी थ्योरी पे भी कमांड हो जाएगी और क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको पता रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, दो दिन रिमेनिंग है आपके पास, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करें, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें, दिक्कत आती है आपको तो हमारे सपोर्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स इज, इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, इनमें से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, मैंने आपको दो क्लासेस के पहले बताया था ये क्वेश्चन, आपको पूरा सोल्व करवाया था, तो सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर दें, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। सबसे पहला इम्यून रेस्पॉन्स जब होता है तो बॉडी के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलती है, आईजीएम, आईजीजी, आईजीई और आईजीए। तो मैंने आपको बताया था सभी इम्यूनोग्लोबुलिन, देखिए एक बार, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी एंड आईजीई। तो देखिए सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन सी होती है, 80% होती है आईजीजी, आईजीए होती है अप्रोक्सीमेट 30%, आईजीए होती है कम से कम 6%, और ये दोनों होती है अप्रोक्सीमेट 1%। आईजीजी होती है वो क्या होती है, वन ऑफ द एंटीबॉडी जो क्या होती है मदर टू फिटस, जो प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफर बाय द प्लेसेंटा, आईजीजी। आईजीए होती है जो क्या होती है बॉडी फ्लूड के अंदर प्रेजेंट होती है, बॉडी फ्लूड में प्रेजेंट होती है, और मदर टू फिटस बाय द ब्रेस्ट मिल्क कौन सी होती है, आईजीए ट्रांसफर होती है ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा। आईजीजी सबसे मोस्ट कॉमन होती है, 80% होती है, इसको क्या बोलते हैं सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं आईजीजी को, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आईजीएम, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, फर्स्ट अपीयर आफ्टर इंफेक्शन, फर्स्ट अपीयर आफ्टर इंफेक्शन। मैंने आपको बताया था दो क्लासेस के पहले भी कि अगर इंफेक्शन की कंडीशन देखने को मिलती है तो सबसे पहले बॉडी के अंदर अपने को कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलेगी, आईजीएम देखने को मिलेगी, ठीक है। आईजीएम सबसे पहले देखने को मिलेगी अपने को कब, जब बॉडी के अंदर इंफेक्शन की कंडीशन होती है तो, ठीक है, जब बॉडी के अंदर इंफेक्शन की कंडीशन होती है तो सबसे पहले अपने को कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलेगी, आईजीएम। आईजीडी जो होती है वो क्या कहलाती है, सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन, जो बी लिम्फोसाइट सेल होती है उनकी सरफेस पर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं अपन सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजीई जो होती है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ई अपने को देखने को मिलती है। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा आएगा, मैंने आपको पूछा है इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब इन्फेक्शन अगर होगा तो अपना प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स शो होगा, और प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स शो होते ही बॉडी के अंदर आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलेगी। इसी के साथ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, अगर कोई बेबी डिलीवर हो रहा है और उसका ब्लड सैंपल हमने लिया और उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन अगर आईजीएम प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या, उसको इननेट इंफेक्शन है, इननेट इंफेक्शन, या फिर बात कर सकते हैं कोई कंजेनाइटल इंफेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अगर न्यूबोर्न बेबी के अंदर आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो क्या शो कर रहा है, कंजेनाइटल इंफेक्शन या इननेट इंफेक्शन को शो करता है। फर्स्ट अपीयर आफ्टर इंफेक्शन इज आईजीएम,
ध्यान रखना इस चीज का, यहां से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गया सभी का? आईजीजी जो होती है प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो सकती है, मदर टू प्लेसेंटा फीटस, और इसको क्या बोलते हैं, सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि सबसे मोस्ट अबंडेंट जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है 80% होती है इसकी अमाउंट। सेकंड होती है आईजीए, सभी बॉडी फ्लूड के अंदर पाई जाती है, लाइक टीयर, सेलाइवा, वेजल सीक्रेशन, ब्लड, ठीक है। और ये ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बेबी से, मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफर होती है। आईजीएम 6% होती है, और इन्फेक्शन के बाद में सबसे पहले अपने को यही दिखाई देती है। आईजीडी जो होती है, होती है सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन, बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। और आईजी होती है जो एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं, और रेगुलर हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, आज इवनिंग तक हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। मोस्ट ऑफ द कोर्स आज हम आपका कवर करवा देंगे, और रिमेनिंग कुछ आज एक से दो आपकी थ्योरी क्लासेस भी रहेंगी, विजय सर क्लास भी होगी, विक्रम सर क्लास भी होगी। तो आप कहीं नहीं जाए, कंटिन्यू बने रहे हमारे चैनल के साथ, ठीक है। 10:30 बजे से विक्रम सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट 10:30 बजे आप लाइव आ जाएं सभी स्टूडेंट। जेएसएस का सिलेबस के बारे में आपको अपडेट करवा देंगे, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। एग्जैक्ट 10:30 बजे विक्रम सर की क्लास होगी, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू आप यूं ही सपोर्ट करते रहे, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप विद इन 5 सेकंड अगर आप क्लास को शेयर कर दें तो और भी स्टूडेंट है वो लाइव आ सकते हैं, उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो आप क्लासेस को आप शेयर करते रहे ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं नर्सिंग के वो सभी अपने घर बैठे तैयारी कर सके, और आपका इतना सपोर्ट और प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कंटिन्यू बने रहना, अब मैंने आपको इतना जो कवर अप करवाया है उसको आप 30 मिनट के अंदर रिवाइज कर ले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख ले, और 30 मिनट के बाद में दूसरी क्लास के लिए आप प्रिपेयर रहे। थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।